तो देखिए पुलिस के बयान आपने सुने, पुलिस का कहना है कि अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं भी हमने लगा दी हैं। प्रिया भी बहुत सारी बातें कह रही हैं, लेकिन मृत्युंजय ग्राउंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या जानकारी मृत्युंजय आपके पास, क्योंकि एक तरफ हम पुलिस की बातें सुन रहे हैं, दर्शकों को प्रिया की बातें भी हमने सुनवा दी, लेकिन ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है इस पूरे मसले को लेकर? क्या आपकी अभी किसी अधिकारी से बात हो पाई, प्रिया से आपकी बात हो पाई, और जो आरोपी है क्या उसके किसी परिवार वालों से बात हुई, क्योंकि अभी तक वो फरार है? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में तीन बड़े डेवलपमेंट हैं, जिसमें से मैं पहले आपको दो मुद्दों के बता दूं। थाने पुलिस ने इन आरोपियों को समन जारी किया है और उन्हें पुलिस थाने में हाजिर रहने के लिए कहा है, यानी कि कुल मिलाकर पुलिस पर दबाव बना है इस खबर के दिखाए जाने के बाद, और जो आरोपी है उनको समन किया गया है। क्योंकि जो आरोपी है असुजीत गायकवाड़, ये कोई मामूली आरोपी नहीं है या मामूली व्यक्ति नहीं है। एमएसआरडीसी जो एक संस्था है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र सरकार की, उसके चेयरमैन का बेटा है, तो ये मामला काफी संवेदनशील हो जाता है, गंभीर हो जाता है। दूसरा अपडेट इसमें ये है कि राजनीतिक इसमें टिप्पणी हो रही है, संजय राउत जो कि शिवसेना उद्योग गुट के नेता है, उन्होंने कहा है कि इसकी एसआईटी जांच की जानी चाहिए। अब इसे हमें समझना चाहिए कि संजय राउत ऐसा क्यों कर रहे हैं। दो बातें हैं, एक तो ये कि जहां पर ये घटना हुई है, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर यह घटना हुई है, उनकी जी घर से। दूसरी बात यह है कि एमएसआरडीसी जो संस्था है, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अंतर्गत आता है डिपार्टमेंट, तो इसलिए संजय राउत को राजनीति करने या ये मुद्दा उठाने का मौका भी मिल गया है। और इस मामले में तीसरी जो डेवलपमेंट है कि आखिरकार सच्चाई क्या है, तो कुल मिलाकर सच्चाई ये अब तक सामने आई है कि प्रिया पहले से जानती थी कि असुजीत शादीशुदा है, लेकिन दोनों के रिलेशनशिप थे, एक पार्टी में असुजीत और उसकी पत्नी मौजूद थे, वहां पर प्रिया पहुंच गई थी और वहां जमकर हंगामा हुआ था, मारपीट हुई थी। लेकिन बाद में मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब प्रिया गाड़ी के सामने आई तो गाड़ी से कुचलने का मामला सामने आया, इसलिए ये बेहद गंभीर मामला हो जाता है। और कहीं ना कहीं फिर जब प्रिया पुलिस थाने में गई बयान दर्ज कराने के लिए, तो शुरुआत उसका बयान या कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि पैर फ्रैक्चर हो गया है, बहुत गंभीर चोटें आई है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, आरोपियों को समन किया गया है और उन्हें आज ही पुलिस थाने पहुंचने के लिए कहा गया है। ठीक है, यानी कि मृत्युंजय कुल मिलाकर इस मामले को लेकर अब लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि समन भी जारी किया गया। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।